क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। जो भी हमें एपी दे रखा है ना, अभी हमने इसमें गिवन तो है नहीं, लेकिन हमें बोला है जो भी एपी है उसका तुम्हें फर्स्ट से 22 टर्म तक का सम फाइंड करना है, ठीक है। इन विच डी इक्वल टू 7, हमें कुछ हिंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डी इक्वल टू 7 है एंड 22 टर्म इज 149। तो इसमें देख सकते हो 22 टर्म लिखा है मैंने, तो 22 टर्म लिखा है मैंने, कहा था जिसके पीछे टर्म लिखा है वो क्या होता है एन, एन इक्वल टू 22, ठीक है। और 146 क्या है, 146 टर्म इज 146, 22 टर्म इज 146, यानी कि क्या है ये ए एन, ए एन है हमारा 149 है, वैसे 149 है, 146 में 149। तो हमें देख सकते हो डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, हमें फर्स्ट वो सम फाइंड करना है जो भी 22 टर्म है एपी के उसके। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें तो आपको पता चल गया सम फाइंड करना है तो वो एस एन लगेगा है ना, लेकिन कौन सा एस एन लगेगा, हमें यहाँ पर दे रखा है ए एन, ए एन दे रखा है, यानी कि हमें पहले इससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देख सकते हो ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, है ना, हमारे पास क्योंकि ए गिवन नहीं है, अगर हमें सम फाइंड करना है एस एन इक्वल टू दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला लिख लो, तो एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसके लिए हमें क्या है ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए हमारे पास कैसे निकल के आएगा, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ए एन क्या है 149, 149 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस वन डी कितना है 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 7, 7 टू 14, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो 2 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 2 आ गया हमारा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको, तो एस एन हमें फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, एस एन इक्वल टू एन कितना है, एन हमें गिवन है 22, 22 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 डी कितना है 7, 11 ब्रैकेट में 2 2 से 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 4 प्लस 7 7 2 से 14 इक्वल टू 11, 47 प्लस 4 मतलब 147 प्लस 4 तो आ जाएगा ये 151, तो 11 इंटू 151 हो जाएगा ये 1661, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, हमने फाइंड कर लिया कि उसका जो जो पहले जैसे कि पहले से लेकर 22 टर्म तक के जितने भी थे नंबर उन सब का सम आएगा 1661, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 1661। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।